नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजश्री आपके साथ। शरद पवार भारतीय राजनीति का ऐसा नाम जो चाणक्य की कूटनीति का पर्याय बन चुका। छात्र राजनीति से लेकर चार बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने तक और दो बार केंद्रीय मंत्री पदों पर रहने वाले पवार की सियासी रणनीति को समझना आसान नहीं रहा है। शरद पवार का राजनीतिक करियर 5 दशक से अधिक का है और छात्र राजनीति से शुरुआत करते हुए 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और 2 बार केंद्र सरकार में 2 मंत्री पदों पर रहे। पवार का सियासी सफर छात्र राजनीति से शुरू हुआ और फिर युवा कांग्रेस से जुड़कर पवार पेशेवर सियासतदान बनने को निकल पड़े और इसी पवार की पावर की कहानी आज हम विशेष में आपको दिखाने वाले हैं। 1962 में पुणे जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले और बाद के वर्षों में पवार को महाराष्ट्र युवा कांग्रेस में प्रमुख पदों पर देखा गया और धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी में अपनी जड़ें उन्होंने जमा ली। 1967 में जब पवार 27 साल के थे तब उन्हें महाराष्ट्र के बारामती निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया था। एक विधायक के रूप में पवार ग्रामीण राजनीति में सक्रिय रहे, साथ ही उस सहकारी चीनी मिलों और अन्य सहकारी समितियों की राजनीतिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहे। शुगर पवार के रूप में शरद पवार को जाना जाता रहा। इसके बाद पवार बड़े स्तर पर राजनीति में आए और 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद यशवंत राव चव्हाण के साथ पवार इंदिरा गांधी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गुट का हिस्सा बन गए। यहीं से पवार ने बेहद कम उम्र में अपनी राजनीतिक परिपक्वता दिखाई और जोड़ तोड़ और सत्ता पलट की राजनीति में महारत हासिल कर ली। वे इंदिरा की सरकार के साथ जुड़े, फिर इंदिरा के खिलाफ ही उन्होंने बगावत की, अपनी पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि NCP बनाई और महाराष्ट्र सियासत के पितामह बन गए। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार को नकार कर चलना पिछले 50 सालों से तो संभव नहीं हो पाया है। यही वजह है कि शरद पवार सत्ता से बाहर रहकर भी महाराष्ट्र के राजनीति की धुरी बने रहते हैं। शरद पवार की राजनीतिक ताकत का एहसास साल 2019 में भी हुआ था, जब बड़े ही नाटकीय ढंग से देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार की सरकार को 2 दिनों के बाद गिरा दी थी और इससे पवार ने ये साबित कर दिया कि NCP के बॉस तो वही हैं, साथ ही उनकी रजामंदी के बगैर सूबे में सरकार बनाना आसान नहीं है। पवार की राजनीति का ये पहला उदाहरण नहीं है। 1978 में जनता पार्टी की मदद से बसंत दादा पाटिल की सरकार बनाने से लेकर 1989 में कांग्रेस में वापसी करके CM बनने की कहानी शरद पवार की राजनीतिक कलाबाजियों का नायाब उदाहरण है। और अपने स्टैंड से पवार हमेशा से सभी को हैरान करते आए हैं। हाल के दिनों में ही महाअघाड़ी में रहकर अडानी मुद्दे पर JPC का विरोध किया। अपने लंबे राजनीतिक करियर में उन्होंने 90% समय BJP और सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ जाने वाले रास्ते को पकड़ा। ऐसा भी रहा है कि दसियों बार इस बात का संशय पैदा हुआ कि वो शायद BJP में आने जा रहे हैं। उन्होंने विरोधाभास से निपटने के लिए BJP से दोस्ती जरूर की, लेकिन वो कभी BJP के साथ गए नहीं। उनकी राजनीति अधिक धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील रही है। आज हम शरद पवार की कहानी आपके सामने रखने वाले हैं और उनके हर सियासी दांव को समझने की कोशिश भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी पवार की, दास्ताने पवार। शरद चंद्र गोविंद राव पवार का जन्म 12 दिसंबर 1940 को महाराष्ट्र के बारामती जिले में हुआ। जन्म के 2 दिन बाद ही उनकी माँ शारदा की एक जरूरी मीटिंग थी। वे इतने छोटे थे कि उन्हें घर पर अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। ऐसे में माँ उन्हें मीटिंग में ले गई। कड़ाके की ठंड, बारामती तहसील के कस्बे से पुणे तक खचाखच भरी हुई बसों की थकाऊ यात्रा के बावजूद वे शरद को लेकर मीटिंग में पहुंची थी। शरद के पवार के मुताबिक उनके जीवन पर उनकी माँ का बेहद प्रभाव रहा। वे उन्हें सुपर वुमेन बुलाते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि शरद को राजनीति अपनी माँ शारदाबाई से विरासत में मिली। शारदाबाई ने पुणे लोकल बोर्ड में निर्विरोध चुनकर एक रिकॉर्ड बनाया था। पवार पढ़ाई लिखाई के दौरान ही राजनीति में सक्रिय हो गए। पुणे के बृहन महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स से उन्होंने BCom की पढ़ाई की।
पढ़ाई के बाद शरद वापस बारामती लौटे तो एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री ही मार ली। 1998 में कांग्रेस से जुड़े, संरक्षण मिला और कांग्रेस के दिग्गज नेता यशवंतराव चव्हाण का 1962 में पुणे जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। शरद पवार का जन्म 12 दिसंबर 1940 को महाराष्ट्र के बारामती जिले के कटेवाड़ी गांव में हुआ था। उनके पिता एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में वरिष्ठ पद पर थे। माँ स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाली इकलौती महिला थी। पूर्व क्रिकेटर सदाशिव शिंदे की बेटी प्रतिभा शरद पवार की पत्नी है। एक इंटरव्यू में प्रतिभा ने बताया था कि शादी से पहले शरद पवार ने एक ही संतान पैदा करने की शर्त रखी थी। शरद पवार ने बेहद कम उम्र में ही राजनीति में अच्छी पकड़ बना ली थी। जब वो 27 साल के थे तब पहली बार विधायक चुन लिए गए थे। साल 1967 में वो पहली बार विधायक चुने गए। इसके बाद शरद पवार सियासत की बुलंदियों तक पहुंचे। सियासत में उनके शुरुआती संरक्षक तत्कालीन दिग्गज नेता यशवंत राव चव्हाण थे। पढ़ाई के दौरान ही वो छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए थे। 1956 में शरद पवार ने गोवा के स्वतंत्र होने पर महाराष्ट्र के प्रवर नगर में एक प्रदर्शन मार्च निकाला था, जो उनके सियासी सफर की ओर पहला कदम था। 1958 में शरद पवार कांग्रेस की युवा इकाई में शामिल हो गए और पार्टी के लिए अपना समर्थन जाहिर किया। कांग्रेस में शामिल होने के 4 साल बाद 1962 में ही उन्हें पुणे जिले में युवा इकाई का अध्यक्ष बना दिया गया। आने वाले कई सालों तक कांग्रेस की युवा इकाई में पवार के पास बहुत से अहम पद रहे और पार्टी में उनकी जड़ें गहराती गईं। तुम चेयरमैन आपको प्रश्न बेकार बुलाता आज रोज ही मेरा जैसे संबंधित चीज संकल्प की ये कर निकाल आना चार दिशा में रहता था नहीं अनित जब पुरुष भविष्य अंधकार मान कर रहे थे संबंधित सर पाप आज या सेने चाहिए बीजेपी जब सरकार ने किया अनित जब पुरुष एक प्रकार का अंधकार मान कर 1967 में शरद पवार केवल 27 साल की उम्र में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बारामती से कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किए गए। शरद पवार ने चुनाव जीता और कई सालों तक लगातार बारामती से चुनाव जीतते रहे। ग्रामीण अंचल की राजनीति करने वाले विधायक पवार ने महाराष्ट्र में सूखे के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। इसके साथ ही सहकारी शुगर मिल और अन्य सहकारी समितियों में होने वाले राजनीतिक गतिविधियों में भी पवार खूब शामिल रहे। 1958 में वो कांग्रेस से जुड़े। 1962 में पुणे जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष बने। 1967 में कांग्रेस के टिकट पर बारामती विधानसभा से चुनाव लड़ा और 27 साल की उम्र में पहली बार विधायक बने। ब्यूरो रिपोर्ट। जब शरद पवार ने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला मां को बताया था तो वे राजी नहीं थी। दोनों के बीच कई घंटों तक इस पर बहस होती रही। मां शारदा ने शरद को कांग्रेस में न जाने के लिए मजबूत तर्क दिए, लेकिन शरद अड़े रहे। आखिर मां को शरद की बात माननी पड़ी और इस यहीं से पैदा हुआ पवार का पावर। शरद पवार बेहद कम उम्र में अपनी सियासी चालों के लिए जाने जाने लगे और वर्ष 1978 में महाराष्ट्र की सियासत में बेहद खास साल जिसे माना जाता है वो पवार के हिसाब से भी बेहद विशेष है। खासकर शरद पवार के लिए यदि हम बात करें तो इसी साल पवार पॉलिटिक्स की पहली झलक देखने को मिली। इसी वर्ष शरद पवार ने प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाकर पहली बार प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनाई थी और फिर पवार सियासी दाव पेंच के जरिए महाराष्ट्र में पहली गठबंधन सरकार के नायक बन गए। साथ में देश के सबसे कम उम्र वाले मुख्यमंत्री भी, तब उनकी उम्र महज 38 साल की थी। इस तरह कहा जा सकता है कि बहुत कम उम्र में उनको बड़ी राजनीतिक परिपक्वता आ गई थी। 1977 में जब कांग्रेस पहली बार केंद्र की सत्ता से बाहर हुई और पार्टी का विभाजन हुआ तो उन्होंने इंदिरा गांधी का साथ छोड़कर अपने राजनीतिक गुरु यशवंत राव चव्हाण की अगुवाई वाले कांग्रेस को चुना, लेकिन बहुत जल्द ही वे इस पार्टी से अलग हो गए और तब उन्होंने समाजवादी कांग्रेस के नाम से एक नई पार्टी बना डाली।
जब शरद पवार ने पहली बार दिखाई पावर। महाराष्ट्र में पहली गठबंधन सरकार के नायक। वसंत दादा पाटिल का किया तख्ता पलट। देश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने पवार। जब हाल में महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की ओर से किए खेल के बाद सरकार गिर गई और उद्धव ठाकरे को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा, तब वर्षों पहले शरद पवार का राजनीतिक खेल सभी को याद आ गया। बात साल 1978 की है। उस दौरान शरद पवार ने उस वक्त के सीएम वसंत दादा पाटिल की सरकार का तख्ता पलट करते हुए कम उम्र में ही बड़ा खेल कर दिया था और पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। वैसे तो इमरजेंसी के बाद साल 1977 में यह स्पष्ट था कि कांग्रेस में राजनीतिक अस्थिरता चरम पर है। 1977 में चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र से केवल 22 सांसद चुनकर आए थे। इस दौरान कांग्रेस भी कई गुट में बटी हुई नजर आ रही थी और महाराष्ट्र में कांग्रेस के दो गुट नजर आ रहे थे। उस दौरान शंकर राव चौहान और ब्रह्मानंद रेड्डी ने रेड्डी कांग्रेस बना ली थी और शरद पवार भी इसमें शामिल हो गए थे। कांग्रेस के फूट का नतीजा ये हुआ कि जनता पार्टी मजबूत हुई और रेड्डी कांग्रेस को 69 और इंदिरा कांग्रेस को 62 सीटें मिली। किसी को बहुमत नहीं मिला और रेड्डी कांग्रेस और इंदिरा कांग्रेस ने मिलकर सरकार बना ली। यह महाराष्ट्र की पहली गठबंधन सरकार थी। 7 मार्च 1978 को बतौर मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल ने शपथ ली। उस सरकार में शरद पवार उद्योग मंत्री थे, मगर सरकार में अनबन जारी रही और दोनों कांग्रेस पार्टियों के बीच दरार बढ़ती रही। इसके बाद पवार ने अपना अलग रास्ता बनाया और वो वसंत दादा सरकार से बाहर निकल गए। शरद पवार 40 विधायकों के साथ वसंत दादा सरकार से बाहर हो गए। पवार के इस फैसले से तत्कालीन सरकार अल्पमत में आ गई। इसके बाद मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल और उप मुख्यमंत्री नाशिक राव ने इस्तीफा दे दिया। महाराष्ट्र की पहली गठबंधन सरकार सिर्फ 4 महीनों में ही गिर गई थी। इसके बाद पवार ने समाजवादी कांग्रेस की स्थापना की और सरकार बनाने के जुगाड़ में लग गए। फिर पवार की समाजवादी कांग्रेस के साथ जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और शेतकरी कामगार जुड़ गए, जिसका नाम रखा गया प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट। इसके बाद 38 साल की उम्र में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर उस समय वो भारत के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बन गए थे। आणि म्हणून अशा पिढी कामगारांबरोबर औद्योगिक क्षेत्रातील कामगार आहेत, शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न आहेत, पाण्याचे आहेत, विजेचे आहेत, तेव्हा बाजारभावाचे आहेत। जब शरद पवार ने पहली बार दिखाई पावर। महाराष्ट्र में पहली गठबंधन सरकार के नायक। वसंत दादा पाटिल का किया तख्ता पलट। देश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने पवार। हालांकि उनकी सरकार भी ज्यादा नहीं चल पाई और 18 महीनों के बाद ही उन्हें भी कुर्सी छोड़नी पड़ी। इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बन गई। उस दौरान 17 फरवरी 1980 को शरद पवार की सरकार की बर्खास्तगी के ऑर्डर पर राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। ये करीब 112 दिन तक रहा और फिर राज्य में चुनाव हुए। इसके बाद कांग्रेस को अच्छी सीट मिली और पवार की समाजवादी कांग्रेस को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद A.R. अंतुले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। ब्यूरो रिपोर्ट। शरद पवार ने जब नई पार्टी बनाई थी तब उन्होंने अपनी सियासी गुरु वसंत दादा पाटिल की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार को गिरा दिया था। इसके बाद पवार ने केंद्र में सत्तारूढ़ जनता पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई। उस वक्त शरद पवार पर वसंत दादा को धोखा देने का आरोप लगा। यही सत्ता पलट की राजनीति की परछाई पवार पॉलिटिक्स पर लगातार पड़ती रही।
तो पवार की राजनीतिक का कद इससे आप आंक सकते हैं कि वे 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे और 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे। वे कृषि मंत्री भी रहे और इस दौरान 2008 में केंद्रीय कृषि मंत्री रहते हुए उन्होंने किसानों की कर्ज माफी का फैसला लिया। सरकार ने इससे पहले इस तरह कर्ज माफी नहीं की थी। देश भर के किसानों और उनके कृषि आधारित उद्योगों का करीब 72,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। 1991 में पवार को पीएम नरसिम्हा राव के कैबिनेट में रक्षा मंत्रालय का प्रभाव दिया गया और वे 1993 तक इस पद पर काबिज रहे। 4 बार वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और कांग्रेस की छत्रछाया के दिन बात करें तो पवार की पॉलिटिक्स से हमेशा ये फलती फूलती रही। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर पवार की पारी, दूसरी तीसरी और चौथी बार सीएम बने पवार। कांग्रेस की छत्रछाया में पवार की पॉलिटिक्स, कृषि मंत्री, रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री की पारी। में इंदिरा गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की सत्ता में वापसी होने पर उनकी सरकार बर्खास्त कर दी गई। इस दौर में कांग्रेस की छत्रछाया में शरद पवार की पॉलिटिक्स नए मुकाम तक पहुंची। पवार का कमाल इसी दौर में पवार की सियासी परिपक्वता भी निखरी और 2.5 चाल में वे माहिर बने। सरकार बर्खास्त होने के 3 साल बाद शरद पवार ने महाराष्ट्र में विपक्ष की राजनीति करते हुए केंद्र की राजनीति में भी हाथ आजमाना शुरू कर दिया। उन्होंने 1984 में पहली बार बारामती से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, लेकिन जल्दी ही लोकसभा से इस्तीफा देकर राज्य की राजनीति में लौट आए और विधानसभा में नेता विपक्ष की कमान संभाली। इस बीच इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और राजीव गांधी को कांग्रेस की कमान मिली। राजीव गांधी के साथ शरद पवार का तालमेल बैठ गया। '87 में पवार फिर से कांग्रेस में लौट आए। कांग्रेस में लौटने के कुछ महीनों बाद ही 26 जून 1988 को उन्हें शंकर राव चव्हाण की जगह महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया गया। शरद पवार, सच्चे दिल से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारत की विधि द्वारा स्थापित संविधान में सच्ची श्रद्धा रखूंगा, भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। करीब 20 महीने बाद उनकी ही अगुवाई में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव लड़ा और दोबारा सत्ता में लौटी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर पवार की पारी, कांग्रेस की छत्रछाया में पवार की पॉलिटिक्स। इस तरह शरद पवार तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने और जून 1991 तक इस पद पर बने रहे। इस बीच 1991 के लोकसभा चुनाव के दौरान ही राजीव गांधी की हत्या हो गई। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस को संभाला। नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री बनने पर शरद पवार भी केंद्र की राजनीति में आ गए और पहली बार केंद्र सरकार में मंत्री बने। उन्हें रक्षा मंत्रालय सौंपा गया। मार्च 1993 में महाराष्ट्र के तत्कालीन सीएम सुधाकर राव नाइक को मुंबई दंगों की वजह से बने राजनीतिक दबाव के चलते इस्तीफा देना पड़ा। इसी के साथ शरद पवार चौथी बार महाराष्ट्र के सीएम बने। 1995 में जब तक शिवसेना और बीजेपी की महाराष्ट्र में सरकार बनी और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 1996 में वो बारामती से लोकसभा सांसद चुने गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर पवार की पारी, दूसरी तीसरी और चौथी बार सीएम बने पवार। कांग्रेस की छत्रछाया में पवार की पॉलिटिक्स, कृषि मंत्री, रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री की पारी। 1995 में विधानसभा चुनाव तक वे मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इस बार उनकी अगुवाई में कांग्रेस हार गई। राज्य में पहली बार शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार बनी। कुछ समय बाद कांग्रेस केंद्र की सत्ता से बाहर हो गई। नरसिंह राव के पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद सीताराम केसरी को कमान सौंपी गई।
जब 1998 में सोनिया गांधी ने पार्टी की कमान संभाली तो शरद पवार ने अलग राह पकड़ ली। ब्यूरो रिपोर्ट। पवार का लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में वापस आना और सत्ता पर काबिज होना सिर्फ उनकी कूटनीति का एक हिस्सा भर कहा जा सकता है। और उनकी जन लोकप्रियता की यदि हम बात करें तो जन लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है कि हर बार ये उम्मीद जग जाती है कि शरद पवार वापस पावर में आ रहे हैं। वे ज़मीन से जुड़े राजनेता रहे हैं, सहकारी मुहिम में सक्रिय रहे और इसकी राजनीति ने ग्रामीण इलाकों में उनकी पकड़ मजबूत बनाई। ये जरूरत पड़ने पर वोटों में भी खूब तब्दील हुई। सोनिया गांधी से शरद पवार की बगावत की कहानी बेहद दिलचस्प रही है। विदेशी मूल का मुद्दा उठाकर पवार ने 1999 में कांग्रेस का दामन छोड़ा। इस बगावत के तीन अहम किरदार रहे, शरद पवार, तारिक अनवर और पी ए संगमा। लेकिन पटकथा पवार की थी। कांग्रेस से निकाले जाने और एनसीपी के गठन के बाद भी कांग्रेस और एनसीपी लंबे समय से एक दूसरे के सहयोगी बने रहे। शरद पवार ने सोनिया गांधी के साथ काम किया जिनके खिलाफ उन्होंने कभी विद्रोह किया था। वैसे देश की सियासत ने वो दौर भी देखा है जब पवार, इंदिरा, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के समकक्ष भी रहे, साथ साथ काम किया, लड़ाई की, लेकिन संबंध लगातार अच्छे रहे। और पवार की ये खूबी है, अब जिनसे वो लड़ते हैं उनके साथ वो इतनी गुंजाइश रखते हैं कि जब दोस्ती हो तो कोई शर्मिंदा ना हो। बागी पवार की कहानी, जब पवार ने की कांग्रेस से बगावत। पवार अनवर संगमा की तिगड़ी। सोनिया के विदेशी मूल पर बगावत। बगावत के बाद बनी एनसीपी। 17 अप्रैल 1999 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार मात्र एक वोट से गिर गई। इसी के साथ 13वीं लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई। इसी बीच सीताराम केसरी की जगह सोनिया गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। साथ ही सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित करने की बातें होने लगी। इन्हीं सब वजहों से कांग्रेस में बगावत हो गई। इस बगावत के तीन अहम किरदार शरद पवार, तारिक अनवर और पी ए संगमा, तीनों ने सोनिया गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तीनों ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल होने पर सवाल उठाया। उनका कहना था कि एक विदेशी मूल के व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री कैसे बनाया जा सकता है। सिर्फ शरद पवार, तारिक अनवर और पी ए संगमा ही अकेले नहीं थे सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने पर सवाल उठ रहे थे, बल्कि बीजेपी भी इस पर मुखर थी। तीनों ने सवाल उठाया, जब लोग पूछते हैं कि कांग्रेस अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में 98 करोड़ की आबादी वाले देश से एक भारतीय पाने में विफल रही है, तो इसका कोई जवाब नहीं है। जब पवार ने की कांग्रेस से बगावत, पवार, अनवर, संगमा की टिगड़ी, सोनिया के विदेशी मूल पर बगावत, तीनों की बगावत इतनी बढ़ गई कि कांग्रेस को वर्किंग कमेटी की इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी। बाद में तीनों को पार्टी से निकाल दिया गया। पार्टी से निकाले जाने के बाद जब तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो शरद पवार ने कहा कि समझौता करने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि ये राष्ट्रीय गौरव से जुड़ा मुद्दा है। 2018 में एक इंटरव्यू में शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने को लेकर खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने कांग्रेस इसलिए छोड़ी थी क्योंकि 1999 में सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहती थी। इंटरव्यू में शरद पवार ने कहा था कि 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरने के बाद सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद पर दावा पेश कर दिया था। उन्होंने कहा था, उस समय मैं या मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे सही उम्मीदवार थे। मैं घर पर था तब मुझे मीडिया से पता चला कि सोनिया गांधी ने दावा पेश कर दिया है। उसी समय मैंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला ले लिया था। पवार ने अपनी किताब में बताया है कि 1996 से 1997 के दौरान लोकसभा में कांग्रेस के नेता के रूप में कई मौकों पर सोनिया ने बतौर कांग्रेस अध्यक्ष उनकी क्षमता को कम करके आका। सोनिया के साथ अपने खराब संबंध पर पवार लिखते हैं, जब मैं कुछ तय करता तो वो ठीक उसे विपरीत कर देती। अगर मैंने पीसी चाको को पार्टी की ओर से बहस शुरू करने के लिए चुना
तो वो उन्हें सिर्फ इसलिए बदल देंगी क्योंकि वो मेरे करीबी हैं। 1986 में कांग्रेस एस और कांग्रेस आई के विलय के दौरान घटनाक्रम को याद करते हुए पवार लिखते हैं कि राजीव गांधी ने अपने भाषण में मेरा नाम तक नहीं लिया। मैं इसका श्रेय गांधी परिवार की मानसिकता को देना चाहता हूँ। चाहे इंदिरा जी हो, राजीव हो या सोनिया जी, सभी गांधी कांग्रेस को अपनी पारिवारिक जागीर मानते हैं। सोनिया गांधी के खिलाफ बगावत ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी की नींव रखी। शरद पवार ने तारिक अनवर और पीए संगमा के साथ मिलकर 10 जून 1999 को एनसीपी का गठन किया। बागी पवार की कहानी, जब पवार ने की कांग्रेस से बगावत। बगावत ने बाद में उसी साल अक्टूबर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए। एनसीपी का ये पहला विधानसभा चुनाव था। पार्टी ने राज्य की 288 सीटों में से 223 पर अपने उम्मीदवार खड़े किए। इस चुनाव में एनसीपी ने 58 सीटें जीती। चुनाव में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। 75 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी। चुनाव से पहले कांग्रेस और एनसीपी ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन बाद में कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर सरकार बनाई। कांग्रेस के बिलासराव देशमुख मुख्यमंत्री बने, एनसीपी के छगन भुजबल डिप्टी सीएम बने। एनसीपी बनी थी कांग्रेस और सोनिया गांधी की बगावत से, लेकिन दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ पाए। राज्य में तो दोनों ने मिलकर सरकार बना ली थी, बाद में दोनों ने केंद्र में मिलकर 10 साल सरकार भी चलाई। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। शरद पवार के साथ एनसीपी का गठन करने वाले तारिक अनवर और पीए संगमा ने बाद में उनका साथ छोड़ दिया था, और 2012 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए पीए संगमा ने एनसीपी भी छोड़ दी। तो वहीं तारिक अनवर 2018 में कांग्रेस में जाकर शामिल हो गए थे। पर पिछले कई वर्षों से शरद पवार का जो पूरी मजबूती है वो कहा जाए तो राजनीतिक एकता का कर्णधार के रूप में दिखी है। कई विपक्षी इस नेता इस बात को मानते हैं कि यदि विपक्ष को एक करना है तो शरद पवार मुख्य बिंदु बन जाते हैं, और इसलिए तमाम विपक्षी एकता बैठक उनके आवास पर होती हुई दिखाई देती हैं। तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को वो समेटने में लगे रहते हैं। ऐसे में पवार के इस्तीफा राजनीति को उनके बड़े गेम प्लान के परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। शरद पवार की निगाहें 2024 पर टिकी हैं। वे राजनीति छोड़ नहीं रहे हैं, नहीं वे रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में उनके त्याग से लोगों की सहानुभूति उन्हें कितनी मिलेगी, उनका महाराष्ट्र और देश भर में राजनीतिक कद कितना बढ़ेगा, ये अभी देखना होगा। लेकिन जाहिर है कि वो पार्टी के समर्थन को वापस हासिल करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, और साथ में विपक्ष को एकजुट करके केंद्र में बड़े किरदार को निभाने की तैयारी भी पवार की मानी जा रही है। हालांकि इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि पवार की निगाहें इसके आगे हैं। पवार पॉलिटिक्स को समझना मुश्किल, पवार के दांव का काट नहीं। पवार पॉलिटिक्स बड़े बड़े सूरमाओं को पस्त कर चुकी है। कहा जाता है कि सियासी अखाड़े में शरद पवार के दांव का काट नहीं है। कभी अपने साथियों को, कभी अपने विरोधियों को चकाना शरद पवार की फितरत है। अदानी समूह को लाभ पहुंचाने के जिस मुद्दे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं, उसकी शरद पवार ने हवा निकाल दी। उन्होंने अदानी मुद्दे पर जेपीसी जांच की विपक्षी दलों की मांग को एक तरह से खारिज कर दिया। ये संयोग नहीं है कि जिस समय शरद पवार ने अदानी मुद्दे पर जांच के लिए जेपीसी की मांग खारिज की, ठीक उसी वक्त उनके भतीजे अजीत पवार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का गुणगान किया। उद्याच्याला जी व्यक्ति 9 वर्षे या देशाचे पंतप्रधान म्हणून काम करते, त्यांच्या नावावर 2014 साली जो पक्ष एकेकाळी फक्त 2 खासदारांचा पक्ष होता तो सर्व दूरपर्यंत पोहोचला आणि पूर्ण बहुमताने निवडून आला, हा करिश्मा मोदी साहेबांचा आहे की नाही? त्याही काळामध्ये कुणी असं निवडून आल्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारचं वक्तव्य केले जातात, परंतु ते पॉप्युलर झाले आणि त्यांच्या नावाखालीच वेगवेगळी राज्य निवडून आलेले आपण पाहिलं की नाही? शरद पवार एक चतुर राजनेता माने जाते हैं। ये मानने का कोई कारण नहीं है कि पवार को ये पता नहीं होगा कि जेपीसी की मांग को नकारना एक तरह से कांग्रेसी अभियान को नाकाम करने जैसा ही होगा। कॉम्पोजिशन में समझो 21 सदस्य की जेपीसी हो तो इसमें 15 लोग रूलिंग पार्टी के रहेंगे और 5 या 6 लोग अपोजिशन के रहेंगे।
तो जहाँ ओवरवेलमिंग मेजोरिटी रूलिंग पार्टी की है वहाँ देश के सामने सच्चाई क्या है, वो कहाँ तक आएगी, इस वजह से कोई भी आसन का फायदा कर सकता है। वे जब भी महाराष्ट्र में सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा रहे, रणनीतिक रूप से खुद की पार्टी को दूसरे नंबर पर रखते रहे, हालांकि मलाईदार मंत्रालय अपने पास रखते रहे। एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना के बड़े धड़े के अलग हो जाने के बाद उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना ताकतवर नहीं रह गई। कांग्रेस की स्थिति पहले से ही कमजोर है। पवार का डर स्वाभाविक है कि दोस्ती वाली नाव डूबी तो उनमें उनकी एनसीपी भी डूब सकती है। पवार ने इशारा कर दिया है कि राहुल की अगुवाई में मोदी को चुनौती नहीं दी जा सकती, इसीलिए विपक्ष को चाहिए कि उसे नेता मान ले। वैसे विपक्षी खेमे में पहले से ही ममता बनर्जी और नीतीश कुमार दो और बड़े नाम हैं जो केंद्रीय राजनीति की धुरी बनना चाहते हैं, लेकिन दोनों की अपनी अपनी दिक्कतें हैं। ममता की पार्टी और उनका परिवार भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझ रहा है, वहीं नीतीश कुमार का जनाधार लगातार सिकुड़ता जा रहा है। दिल्ली के शराब घोटाले के तार तेलंगाना तक पहुंच जाने की वजह से फिलहाल के चंद्रशेखर राव की महत्वाकांक्षा को भी ब्रेक लग गया है। शरद पवार इसी चुनौतीपूर्ण माहौल में अपने लिए नई राह तलाशते दिख रहे हैं। एनसीपी का राष्ट्रीय दल का खोया दर्जा वापस लेने के लिए शरद पवार कर्नाटक में चुनावी ताल ठोकने वाले हैं। एनसीपी भी कर्नाटक में 40 से 45 सीटों पर लड़ने की प्लानिंग कर रही है। एनसीपी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अलार्म घड़ी चुनाव चिन्ह आवंटित करने के लिए इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखा था जिसे स्वीकार कर लिया गया। तो शरद पवार महाविकास अघाड़ी के सूत्रधार हैं, उन्होंने ही महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसे समीकरण गढ़े थे जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। पवार ने शिवसेना और कांग्रेस को एक मंच पर लाकर देश को नया गठबंधन दिया था। कांग्रेस और शिवसेना समेत विपक्ष नहीं चाहता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को इस गठबंधन के टूटने से बढ़त हासिल हो। अब जबकि पवार पार्टी के चीफ बने रहने पर राजी हो गए हैं तो ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। उधर 2 मई की यदि हम बात करें तो 2 मई को एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ने वाले शरद पवार ने 5 मई को अपना इस्तीफा वापस ले लिया। इस तरह से एनसीपी में पिछले 4 दिन तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे की आज की हैप्पी एंडिंग के साथ साथ पवार की रणनीति में क्या कुछ खास होता है इसको लेकर अलग तरह की रुचि जग गई है तमाम चुनावी विश्लेषकों में। शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करते हुए कहा कि मैं भावुक हो गया हूँ, मैं अपना फैसला वापस ले रहा हूँ। पवार ने इस्तीफा वापस ले लिया लेकिन पूरा घटनाक्रम अपने पिछले कई सवालों को छोड़ गया। सवाल उठता है कि अगर इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप ऐसा ही होना था तो इसकी जरूरत ही क्या थी। लेकिन पवार को कौन भला अभी तक समझ पाया है। कल तक भी वे अनबूझ पहेली थे और आज भी वो वैसे ही हैं। समय के साथ उन्होंने अपने सियासी चालों को और गूढ़ और राजदार और रहस्यमय बना दिया है। इस्तीफा पॉलिटिक्स का भी राज वही जानते हैं जो वक्त के साथ खेलता रहा और उसका नाम पवार है। एनसीपी में पिछले 4 दिनों तक चले हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद आज हैप्पी एंडिंग हो गई। 82 साल के मराठा छत्र संन्यास की जिद पर अड़े तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें दुनियादारी छोड़ने नहीं दिया। आखिरकार शरद पवार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। शरद पवार ने एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा वापस लिया। उन्होंने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करते हुए कहा, मैं भावुक हो गया हूँ, मैं अपना फैसला वापस ले रहा हूँ। पवार ने कहा कि सबके आह्वान और एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं के कहने के बाद और सबकी भावनाओं पर विचार कर मैं एनसीपी अध्यक्ष पद से रिटायर होने का निर्णय वापस ले रहा हूँ। मैं फिर से अध्यक्ष पद स्वीकार कर रहा हूँ। अध्यक्ष अध्यक्ष निर्णय
शरद पवार के इस्तीफा वापस लेने की घोषणा से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरी में जश्न का माहौल बन गया। एनसीपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की मुरादें पूरी हुई, उनके नेता अब उनके अध्यक्ष होंगे। इससे पहले आज एनसीपी की 16 सदस्यीय कोर कमेटी ने पवार के इस्तीफे को खारिज कर दिया। दरअसल एनसीपी का नया अध्यक्ष चुनने के लिए 16 सदस्यीय कोर कमेटी की शुक्रवार को मुंबई में मीटिंग हुई। मीटिंग में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रफुल्ल पटेल ने पवार का इस्तीफा खारिज करने के लिए प्रस्ताव पेश कर उनसे फैसला वापस लेने का अनुरोध किया। कमेटी के बाकी सदस्यों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया और पवार का इस्तीफा नामंजूर कर दिया। प्रफुल्ल पटेल मुंबई के यशवंत राव चौहान सेंटर से बाहर आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीटिंग में हुए फैसले की जानकारी दी। प्रफुल्ल पटेल बोले, शरद पवार जी ने हम लोगों को सूचना दिए बिना फैसला लिया। सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की मांग पर कमेटी ने उनका इस्तीफा खारिज कर दिया। हमने उनसे पार्टी अध्यक्ष बने रहने की अपील की है। हमने उनसे अपील की है कि देश और पार्टी को आपकी जरूरत है। केवल एनसीपी ही नहीं, पूरी पार्टियों के नेताओं ने भी ये रिक्वेस्ट की है कि शरद पवार अध्यक्ष बने रहे। केवल इतना ही बताऊंगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के नेता माननीय शरद पवार साहब, इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का इस्तीफा देने का अपना विचार व्यक्त किया था। आदरणीय शरद पवार साहब का राजीनामा हम एक मत से सर्वानुमत नामंजूर करते हैं और उनको सामूहिक तौर से ये हम विनती करते हैं कि उन्होंने अपने इस पद पर कायम रहना चाहिए और ये जिम्मेदारी उन्होंने निभाते रहना चाहिए। पिछले चार दिन तक चले सियासी घमासान के बाद आज मामले का पटाक्षेप हो गया। 2 मई को एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ने वाले शरद पवार ने 5 मई को अपना इस्तीफा वापस ले लिया, लेकिन अपने पीछे कई सवालों को छोड़ गए। सवाल उठता है कि अगर इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप ऐसा था तो इसकी जरूरत थी। दरअसल इस पूरी पटकथा के पीछे शरद पवार का मास्टर स्ट्रोक था। हाल के दिनों में भतीजे अजीत पवार ने बगावत कर बीजेपी से मिलने की खबर के बीच शरद पवार के लिए जरूरी था कि वह अजीत पवार को जमीन दिखा दे। शरद पवार के इस्तीफे के बाद एनसीपी में जिस तरह से नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भावुकता दिखाते हुए इस्तीफा वापस लेने की जिद पर अड़ गए, उससे सभी को पवार के पावर का एहसास हो गया। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीनने और अजीत पवार की ओर से मतभेद के बीच पार्टी में असंतोष बढ़ने का खतरा भी लगातार बढ़ने लगा था। ऐसे में जरूरी था कि इस पर लगाम लगाई जाए। शरद पवार ने अपने मास्टर स्ट्रोक से इस तरह के सभी गतिरोधों को साधने का काम किया। उन्होंने पार्टी नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं के जरिए अपनी जरूरत और इज्जत दोनों को बखूबी कायम रखा। एनसीपी का अगला नेता कौन हो, ये शरद पवार अपने तरीके से तय करना चाहते हैं और अपने रहते तय करना चाहते हैं। वे अपनी लोकसभा सीट बारामती पहले ही सुप्रिया सूर्य को दे चुके हैं। अगली उत्तराधिकारी की योजना ये हो सकती है कि सुप्रिया सूर्य पार्टी अध्यक्ष बन जाएं, तो वो निश्चिंत हो सकते हैं कि पार्टी उनकी कमान में रहेगी। उनका ये कदम एनसीपी की उत्तराधिकारी योजना के बारे में ज़्यादा है। विपक्षी एकता के लिए तो वो जितना मौजूद रहते हैं उतने उपलब्ध होंगे, लेकिन अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश भी पवार की है। आज पवार की प्राथमिकता अपनी बेटी सुप्रिया सूर्य और एनसीपी है। तो अब कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि करीब करीब साफ हो चुका है कि 83 साल की उम्र में पवार न तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, न बन सकते हैं, न ही बनना चाहते होंगे, न ही वे 83 साल की उम्र में करीब 6 दशक की राजनीति में पूरे करने के बाद बिल्कुल यू टर्न ले पाएंगे। उनके संबंध सभी राजनेताओं से हमेशा अच्छा रहे हैं। अगर शरद पवार के राजनीतिक दुश्मनों के बारे में सोचा जाए तो शायद ही कोई नाम याद आएगा। वो सोनिया गांधी के खिलाफ पार्टी तोड़ कर नई पार्टी बना लेते हैं, लेकिन अगले चुनाव के बाद ही कांग्रेस के साथ सरकार बना लेते हैं।
कांग्रेस की ही सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री बनती हैं और उसी अटल बिहारी वाजपेयी को अजात शत्रु कहा जाता है। वैसे ही शरद पवार भी एक ऐसे नेता हैं जिनका राजनीति में कोई दुश्मन नहीं है। आज पवार सियासत कैसे की जाए इसकी एक मिसाल है। वे सभी से राजनीति करते हैं लेकिन किसी से बैर नहीं रखते। विपक्षी एकता के केंद्र में रहते हुए लेकिन बीजेपी जाने तक के अटकलों का सामना वो खुद ही कर लेते हैं। विपक्ष का कोई भी नेता उनसे असुरक्षित नहीं महसूस करता। कैंसर से दो दो हाथ कर चुके पवार का बस एक ही सपना है कि एनसीपी की विरासत बेटी सुप्रिया सूले के हाथों में आ जाए और यही पवार का अंतिम दांव है। देखना होगा कि इस अंतिम दांव का कितना असर होता है और पवार के पावर में क्या कोई कमी आती है या इजाफा होता है। तो ये हम जांचते रहेंगे, आप भी जांचते रहिए। लेकिन फिलहाल विशेष में इतना ही। अगले हफ्ते एक नए विशेष के साथ नमस्कार।